नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TCF प्रतीक मलिक चैनल पर और मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा कंसेप्ट जिसको CTET में, DSSB में, हर जगह YouTube पर लोग गलत पढ़ाते हैं। मैं कह सकता हूं कि 99% को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है, इस कंसेप्ट का। और जो 1% लोगों को पढ़ता भी है तो वो इसके एग्जाम्पल गलत दे देते हैं, वो इसको उनको समझाना नहीं आता। तो लगभग आप कह सकते हैं कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ सही पढ़ाई होगी, वरना आपको कोई भी वीडियो सही नहीं मिलेगी, वरना आप ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने कंसेप्ट पर। तो देखिए, हमारा कंसेप्ट है आज री इन्फोर्समेंट, और टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट करेंगे और पनिशमेंट करेंगे। ये देखिए, इसमें अगर मैं बताऊंगा तो आपने दो ही चीज़ पढ़ी होंगी, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन देखिए, सजा भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो इस चीज़ के बारे में समझेंगे। कुछ लोग, मैं बता देता हूँ इस पे बहुत पिन पॉइंट करके कौन सी चीज़ गलत बताते हैं, वो बताते हैं नेगेटिव री इन्फोर्समेंट को गलत। जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं, ये जो चीज निकली थी ये निकली थी ऑपरेंट कंडीशनिंग से। और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा RS सिद्धांत एक कह सकते हैं कि पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर स्टिमुलस देंगे उसको। जैसे लोटस टेम्पल में अगर आप देखेंगे कि पेड़, पहले पेड़ उगता है उसको बाद में उसको कटिंग करी जाती है, वही चीज़ होता है कि पहले बच्चा कुछ रिस्पॉन्स दे देगा, उसके बाद देखा जाएगा कि उसने ठीक किया है गलत किया है। अगर हम उसको माइनस कर रहे हैं, समझ लीजिएगा उसका बिहेवियर है, उसके बिहेवियर को हम वीक कर रहे हैं, तो वो सजा होती है, समझ लीजिएगा वो सजा के द्वारा ही वीक किया जाता है। हमारा कभी भी पुनर्बलन किसी चीज को कमजोर करने के लिए, अगर हमें करवाना है कि बच्चा ये काम दोबारा ना करे, तो हम कभी पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पुनर्बलन का प्रयोग होता है, री इन्फोर्सर अगर आप देखेंगे तो ये केस से बना है, री इन्फोर्सर कि वो दोबारा फोर्स करवाएगा, फोर्स करेगा बच्चे को कि वो दोबारा वो काम करे, तो भैया चाहे पॉजिटिव री इन्फोर्सर हो या नेगेटिव री इन्फोर्सर हो, वो बच्चे को फोर्स ही करेगा, वो कभी बच्चे को उस काम से हटाएगा नहीं। आइए हम ये पढ़ते हैं, तो आपको ये समझ गए होगे। और जो काम को हटाता है वो होता है पनिशमेंट, सजा हमारी। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे। बॉक्स में देखिए, यहां कुछ लूंगा, यहां मैं ले सकता हूं अच्छा या प्लीजेंट, जो बच्चे के लिए अच्छा है या प्लीजेंट है, समझिएगा चीजों को, ठीक है। और यहां है बुरा या बैड कह सकते हैं या अनप्लीजेंट कह सकते हैं, बच्चे के लिए कुछ अनप्लीजेंट है जो बच्चे को बेकार लगता है, समझ लीजिएगा इस चीज को। और यहां मैं कहता हूं, जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता हूं, पॉजिटिव का निशान कैसा होता है, ऐसा कुछ ऐड करना, कुछ जोड़ना, ऐड करना, यानी सकारात्मक क्या होता है, कुछ जोड़ना। नेगेटिव क्या होता है, माइनस करना, हमारा नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक, तो माइनस कह सकता हूं मैं यहां पे, तो समझिएगा। अब यहां मैं बताऊंगा कौन सा हमारा रीइन्फोर्समेंट होता है पॉजिटिव और कौन सा हमारा पनिशमेंट होता है। देखिए, अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया और बच्चे को आपने कुछ दे दिया, ऐड करना क्या होता है, बच्चे ने आपने कुछ उसको दिया है, बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया और आपने ऐड कर दिया उसके अंदर अच्छा, जो उसको चाहिए था प्लीजेंट, उसके लिए जो अच्छा था, तो वो होगा पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। ये हमको पता होता है, ये हमको सही बताया जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन यही होता है, बच्चे को अच्छा कह दिया, बच्चे को पुरस्कार दे दिया, जो चीजें भी होती है वो हमारा ये है, हमारा ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट रहता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे को डांट दिया, बच्चे को आंखें दिखा दी और ये चीजें, ये हम कह देते कि ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। नहीं जी, अगर आप बच्चे को कुछ ऐसा दे रहे हो जो बच्चे को पसंद नहीं है, बच्चे को आपने आंख दिखा दी है, तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। आपने क्या किया, आपने कुछ ऐड किया है, उससे कुछ लिया तो नहीं है, उसको कुछ दिया है, तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट होगी, सकारात्मक सजा होगी, समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं हम नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, सॉरी अभी अभी देखेंगे कि ये क्या है। देखिए, अब बच्चे से आपने कुछ ऐसा ले लिया जिससे, मतलब समझना इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूं,
कि जो सजा वगैरह की बात करी थी मैंने, तो अब आप बताना कि बच्चे के लिए सजा है या ये रीइन्फोर्सर का काम करेगा। बच्चे ने कुछ काम किया और यहाँ क्या है, माइनस कर रहे हैं उससे, कुछ ऐसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं जो उसको अच्छा लगता था। कि मान लो उसने कुछ अच्छा काम किया और वो फोन यूज करता है और आपने उसका फोन ले लिया, तो ये उसके लिए सजा हुई ना, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव सजा। ठीक है, ये होती है नेगेटिव सजा या नेगेटिव पनिशमेंट, हम कह सकते हैं नेगेटिव पनिशमेंट होगी ये। कुछ ऐसी पनिशमेंट देना जिसके अंदर आप उससे उसकी पसंदीदा चीज कुछ ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा मैं फिर इसके बाद में। अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, अगर यह वीडियो मेरी टीसीएफ प्रतीक मलिक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही कंसेप्ट लेकर आता रहूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज गलत पढ़ाई जाती है जिसकी वजह से आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए अब आते हैं हम कि ऐसा कुछ हटाना, माइनस करना, ऐसा कुछ जिससे बच्चा अनप्लीजेंट था, समझना। बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया उसके बाद में उसकी लाइफ से कुछ ऐसा हट गया जो उसको बुरा लगता था, समझ रहे हो। उसको कुछ ऐसा बुरा लगता था, उसकी मम्मी उसकी बुराइयां करती थी सबके सामने, लेकिन अब उसने ऐसा कुछ काम कर दिया, अब उसकी मम्मी ने उसकी बुराई करनी बंद कर दी है, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट हुआ। अब वो उसको काम को दोबारा करेगा, है ना, इस जगह तो वो उस काम को दोबारा नहीं करने वाला था, अब ये चीज उससे वो काम दोबारा करवाएगी। चलिए पूरी तरह से समझने के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये खुद मैंने बनाए हैं, तो ऐसे ही आपको 40+ क्वेश्चन दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम पेज को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, TCF प्रतीक मलिक चैनल है, वो भी PRATEE के प्रतीक मलिक चैनल है। वहां आपको PDF मिल जाएगी जिसमें आप 50 क्वेश्चन करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए मैं कल तक उसको अपलोड कर दूंगा। पुनर्बलन एवं सजा, आइए देखते हैं। एक बच्चा काम नहीं कर रहा था तो उसके माता पिता ने उससे फोन छीन लिया। अब देखो फोन बच्चे को पसंदीदा होगा और उसके माता पिता ने उसे छीन लिया। छीनने का मतलब क्या है, नेगेटिव आ गया भैया पहली बात तो, और फोन छीन लिया गया है। अब ये बात नहीं है कि कम समय के लिए छीना गया है, ज्यादा समय के लिए छीना गया है, नहीं जी हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि काम करने से पहले फोन छीन लिया। नहीं भाई, पहले बच्चे को काम तो करने दो, क्योंकि हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, पहले बच्चा रिस्पॉन्स देगा उसके बाद हम स्टिमुलस देंगे। तो समझना इस चीज को कि पहले बच्चे ने गलत काम किया या ऐसा काम नहीं करा तो उसके बाद में उसका फोन छीन लिया, तो ये क्या हुआ, ये हमारा नेगेटिव पनिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो एक अब अगले पे चलते हैं। एक बच्चा गंदा काम करके लाया, उसके अध्यापक ने उसे डी ग्रेड दे दिया, ये क्या हुआ, दिया है यानी कि प्लस है। अब क्या बच्चे को डी ग्रेड पसंद होगा, नहीं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पनिशमेंट होगा, समझ रहे हो, पॉजिटिव सजा। अच्छा, कार बेल्ट में सीट बेल्ट पहनने पर बीप साउंड बंद हो गई। देखिए बंद हो गई का मतलब क्या है, कुछ माइनस हुआ है हमारी लाइफ से, है ना, जो हम नहीं चाहते। अब बीप साउंड किसी को पसंद नहीं होती। ये अनीता वुल्फोग में ये एग्जाम्पल है, उसको समझा रहा हूं कि वो कैसे होता है। तो ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है कहीं ना कहीं हमारा, है ना। हम मान लो किसी बंदे ने सीट बेल्ट पहन ली है, उसके बाद में बीप साउंड थी ना, जो ये बीप साउंड बंद हुई है, ये होता है हमारा नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, नेगेटिव हमारी लाइफ से कुछ ऐसी चीज चली गई जो हम चाहते थे चली जाए, वो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट होगा, वो नकारात्मक पुनर्बलन होगा। एक बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसके पिता ने उसे नहीं डांटा, ये भी हमारा नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। कैसे, नहीं डांटा माइनस कर दिया है, और उसके चाहता था या नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसका पिता उसको ना डांटे, तो इस वजह से नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। चलिए अब चलते हैं अगला हमारा। एक छात्र कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आया, अध्यापक ने उसे मॉनिटर बना दिया। बना दिया इसका मतलब दिया है उसको प्लस किया है कुछ। मॉनिटर बनना पसंद होता है लोगों को, तो ये एक तरह से पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट होगा। एक छात्र कक्षा में लेट आया, उसे उसकी पसंदीदा जगह पर नहीं बैठने दिया गया। नहीं नहीं दिया गया यानी कि माइनस किया है कुछ। ठीक है, अच्छा अब पसंदीदा जगह थी ना भाई उसकी, तो ये क्या हो गई, ये नेगेटिव पनिशमेंट हो गई है, उसको ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसको वो चाहता था। एक छात्र को खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए
पुरस्कृत किया गया, तो प्लस कुछ किया गया है, पुरस्कार दिया गया है और अच्छा प्रदर्शन के लिए पुरस्कार पाना सबको पसंद होता है, तो ये पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट होगा, सकारात्मक पुनर्बलन होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। खिलाड़ी ने खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इस वजह से उसके टीम में स्थान नहीं दिया गया। अब देखो, पहली बात तो उसको हटाया गया है, जो टीम में नहीं दिया गया तो वो नेगेटिव है, पहली बात तो ये समझ लो। अच्छा, वो टीम में आना चाहता था ना, सभी टीम में आना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ, अब उसको उसका उसके खिलाफ गई ये चीज़, तो इसका ये मतलब ये नेगेटिव पनिशमेंट है। चलिए आगे, एक छात्र को के जूते में कांटा लगा था जिससे वह नहीं चल पा रहा था, कक्षा अध्यापक ने वह कांटा निकाल दिया। अब देखो एक चीज़ बताओ, पहली बात तो यहाँ देखो अध्यापक ने क्या किया, निकाला है, यानी कि कांटा उसकी लाइफ से ख़त्म कर दिया है, तो ये माइनस किया है कुछ। ठीक है, अब बच्चे को अच्छा लगेगा इस चीज़ से या बुरा लगेगा, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा उसको, तो ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। ठीक है, ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है, समझिएगा, है ना। एक छात्र को बैंगन पसंद नहीं है, उसके घर में बैंगन नहीं बनता जब वह प्रथम आता है, एक छात्र को नहीं बनता, माइनस। अच्छा, अब उसकी क्या थी, क्या चीज़ थी जिसको वो पसंद नहीं करता, वो चीज़ हट गई है, इसका मतलब वो खुश होगा उस चीज़ से, तो ये भी नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। समझ गए दोस्तों, ऐसे ही आपको कम से कम 50 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आज या कल तक पूरी PDF बनाऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। आप मेरे टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी लाइक कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, TCF प्रतीक मलिक। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।